सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 को जो कि इशू किया गया है सेंट्रल टैक्स के तहत यानी कि सीजीएसटी एक्ट के पावर्स के थ्रू। और इसमें बताया जा रहा है टीसीएस के लिए सीजीएसटी का रेट। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जीएसटी एक डुअल टैक्सेशन मॉडल है जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन पे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दो टैक्सेस लग रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करें तो उस केस में उसके ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लग रहा होता है, और वहीं कोई अगर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है तो वहां पे आईजीएसटी लग रहा होता है जो कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी का एक्यूमुलेशन होता है। उन दोनों को जोड़ के जो रेट बन रहा होता है वो रेट आईजीएसटी का होता है। तो उसी की तरह यहाँ पे टीसीएस में भी कुछ इसी तरह के प्रोविजंस हैं। दोनों टैक्सेस यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी एज अ टीसीएस कटेगा, तो उसके लिए क्या रेट होने वाला है उसको ही इस नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है। तो आइए दोस्तों उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और वहां पर जानते हैं कि क्या बातें लिखी हैं, उनका क्या मतलब है, उनको हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 सेंट्रल टैक्स जो कि इशू किया गया है। पहली लाइन में लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस के लिंक हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, इन सभी चीजों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया है 20 सितंबर 2018 को, और इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट यानी कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, वहां पे कुछ पावर दिया जा रहा है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 इशू कर रही है। यहाँ पे अभी हम लोग आगे सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 के भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां पे ऐसी कौन सी पावर थी जिसके थ्रू इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया। फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies that every electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated at the rate of 0.5% of the net value of intra-state taxable supplies made through it by the other supplier where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator। तो आइए पहले सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 में देख लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी बात है जिस जो पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कौन सी लाइन है जो पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसके थ्रू ये नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 इशू करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है जिन लाइन्स की वजह से हमें ये पावर मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को इस नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 को इशू करने की। तो यहाँ लिखा है शैल कलेक्ट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट Not exceeding 1%, यानी कि अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन वह अमाउंट 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। As may be notified by the government on the recommendation of the council, यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी जो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए ये तो यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसी के लिए लिख रहा है कि एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, और वही गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को इशू करके रिकमेंड कर दिया है। और गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, आइए अब हम लोग देखते हैं फिर से नोटिफिकेशन नंबर 52/2018। और यहाँ लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड लाइन में द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन काउंसिल के रिकमेंडेशन पे हेयर बाई नोटिफाइज दैट, यहाँ नोटिफाई कर रही है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, जो कि एजेंट नहीं है, शैल कलेक्ट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 0.5%। तो उसे 0.5% ही सीजीएसटी टैक्स एज अ टीसीएस कलेक्ट
करना है, 1% नहीं, जो कि सेक्शन 52 में लिखा है 1% नहीं करना है, वो 0.5% ही करना है। इसी के साथ साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है तो उस केस में CGST 0.5% हो रहा है TCS और SGST भी 0.5% होगा TCS का। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आगे की जो लाइनें लिखी हैं उसको हम लोग सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इन लाइनों का क्या मतलब है। जो भी आगे लाइनें लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय द अदर सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाय द सेट ऑपरेटर। इन लाइनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कंसीडरेशन किसे कहते हैं, सप्लायर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक बटन दबाकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।